प्यारे बच्चों, सीबीएसई लगातार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए परीक्षा के पैटर्न में परिवर्तन करती रही है। चूंकि पिछला साल कोरोना के कारण बर्बाद हो गया और 2020-21 के सेशन के जो बच्चे थे उनका दसवीं का एग्जाम ही नहीं हो पाया, ना अब होगा, तो अब सीबीएसई तय करेगी कि किस तरह से उनका रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन 2021 और 22 के सेशन में जो बच्चे क्लास 9th से लेकर के और 12th तक पढ़ेंगे, उनके लिए एग्जामिनेशन के पैटर्न में एक बार फिर भारी बदलाव लाया गया है। और अब जो आपका ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, और एनुअल एग्जामिनेशन जो होगा क्लास 9th का और 11th का आपके स्कूलों में, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके पैटर्न में आपको चेंज दिखेगा। तो किस तरह का यह चेंज लाया गया है इसके बारे में इस सर्कुलर में बताया गया है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी ठीक से करने में मदद मिलेगी। ये देखिए सर्कुलर नंबर 31/2021 और इसका डेट है 22/4/2021, यानी कि ये बिल्कुल ताजा सर्कुलर है आज का। इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि बच्चों को रोट लर्निंग से दूर किया जाए, यानी कि सिर्फ याद किया और एग्जाम में जो प्रश्न आया उसको पूछ दिया और लिख दिया, खत्म। नहीं, इससे दूर हट करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ाने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बढ़ाने से क्या होगा, तो इससे फायदा यह होगा कि बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग आएगी और उनके क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी का विकास होगा, जो कि आजकल के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि लर्नर्स मस्ट बी इक्विप्ड विथ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड असेसमेंट। जब बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस को याद करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे लिख करके चले आते हैं, जो भी मार्क्स मिल जाते हों, बेशक देखा गया है कि बच्चों ने 90 नंबर से ज्यादा ले लिए, लेकिन जब जिंदगी से उनका सामना होता है, जब रियल लाइफ प्रॉब्लम उनको फेस करना होता है, तो फिर वो फेल हो जाते हैं और उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि ये जो रोट लर्निंग है उसे शिफ्ट किया जाए, फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन स्किल्स टू वन दैट इज मोर फॉर्मेटिव, दैट इज मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, विच प्रमोट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कहने का मतलब यह है कि हमारे टीचर्स को भी अब पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में अंतर लाना होगा। अब हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि बच्चों को हमें यह सिखाना होगा कि किसी भी परिस्थिति का एनालिसिस किस तरह से किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास बच्चों के अंदर कैसे हो, और कोई भी जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उस कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बच्चा रटने पर जोर दे। रटने से अब हमें दूर हटना होगा, ये बच्चों को भी समझना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां ये बात बताई गई है कि बोर्ड इज इनिशिएटिंग फर्दर कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस फॉर द ईयर 2021-22। 2021-22 जिसका एनुअल एग्जामिनेशन अगले साल मार्च अप्रैल 2022 में होगा,
उस समय ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और जो असेसमेंट पैटर्न होगा उसमें चेंजेस लाया गया है। तो वो किस तरह के चेंजेस लाए गए हैं और क्यों लाए गए हैं उसकी चर्चा आगे की गई है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए। इन द फोर्थ कमिंग सेशन ए ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दैट असेस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ अनफेमिलियर सिचुएशन विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी कि अगले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा 10th और 12th का और क्लास 9th और 11th के लिए जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एज द बेसिस ऑफ देयर आंसर। यानी कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ इस बात को समझ लीजिए कि अब रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेकर के आपको उत्तर देना होगा और यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होगा। कैंडिडेट शुड एक्सप्लेन व्हाई दे मेड सर्टेन डिसीजन। किसी भी परिस्थिति में जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया ये एक्सप्लेन करना होगा। साथ ही आपको ये बताना होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर में कि हाउ दे इंप्लीमेंटेड दीज डिसीजंस एंड व्हाई सर्टेन आउटकम्स टुक प्लेस। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल लेना होता है। आपने जो भी डिसीजन परिस्थिति के अनुसार लिया वही डिसीजन क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया ये आपको बताना होता है। कैसे आपको उन्होंने इंप्लीमेंट किया ये आपको बताना होता है और उसका क्या परिणाम हुआ ये भी आपको बताना होता है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो देखिए किस तरह से ये चेंजेज होंगे। सबसे पहले क्लास 9 और 10 के लिए देख लेते हैं। 2021-22 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देने पड़ेंगे वो उन क्वेश्चंस की संख्या होगी 30%। और ये किस फॉर्म में हो सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर एनी अदर टाइप भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनकी संख्या होगी 30%। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 20% होंगे। तो ये 30% और ये 20% मिलाकर के 50% हो जाते हैं और रिमेनिंग जो 50% क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। सो कहने का मतलब यह हुआ कि अब आपका क्वेश्चन पैटर्न ऐसा होगा जिसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के होंगे और सिर्फ 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। तो ये जो चेंज आपने देखा ये क्लास 9 और 10 के लिए था। अब चलिए क्लास 11 और 12 के लिए देखते हैं कि क्या चेंज किया गया है। तो ये देखिए क्लास 11 और 12 में देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की संख्या होगी 20% जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 20%। तो ये 20% प्लस 20%, तो अब अगले साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपका आएगा उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इन सबको मिलाकर के कुल 40% क्वेश्चन पूछा जाएगा और रिमेनिंग जो 60% बचा आपका आउट ऑफ 100 वो शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अपने पढ़ाई करने के तरीके में भी परिवर्तन लाना होगा और अब
इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा ताकि आप अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ा सकें, क्योंकि यदि आप सिर्फ इतना कर सके तो 50% क्वेश्चन के आंसर्स बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो अब जो बच्चे नए सेशन में 2021 और 22 में क्लास 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जो उनकी तैयारी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने में मदद करेगी और इस काम में आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।